ओम शांति। आज की तारीख है 13/11/22 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली 10/12/92 यानी 92 की मुरली है। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है पूज्य पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। मीठे मीठे बाप दादा बोले कि आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं के द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसीलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। अच्छा, अब सुनेंगे याद प्यार। तो मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, फिर सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु शिव बाबा का अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुगी कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूएबल हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। तो यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलह युग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलह युग में बहुत रौनक है, लेकिन वो रौनक धोखा देने वाली रौनक है। स्लोगन है,
अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले सच्चे राजयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति।